चलो वही डाउट क्लियर करो। ठीक आई बैठते हैं, बैठ रहे हैं। आनी आ जाओ, देख के आओ, तो हाथ पकड़ना है। कृष्णा रिवर के तट पर चुबुक चुबुक करने आ गए हैं हम लोग। तुमको चलना है, चलो, खड़ा होना है, हो सब पोंदड़ा पोंदड़ी लोग से बड़ा दिक्कत है। तुमको नहला दें यहाँ पे, हाथ पकड़ के एक बार घुसाड़ देंगे, फिर निकाल देंगे खलखला के पूरा, जैसे कपड़ा धोया जाता है ना, वैसे खिलखिल खिलखिल करके धो देंगे तुमको। मछली है, कितना सारा दिख रहा है तुमको, आ जा वो देखो, मछली स्लिपरी है, देख के चप्पल खोल के पूरा साबुन के वजह से स्लिप, जूता खोलो पहले, ऊपर जा, ऊपर 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 वहाँ, वो देखो मछली, ये तो मछली, ओ भाई गजब मछली है, बहुत बहुत हद से ज्यादा है, मछली हाथ हाथ पकड़ो तो हाथ से पकड़ में आ जाएगी। कौन सा मछली है, रेहू कतला, यहाँ तो मछली अच्छा खाने को मिलेगा। कहीं साइड में तुम इधर इधर आओ, इधर आओ, स्लिप करेगी, पकड़ो, चलो आ जाओ अंदर आओ, बस चलो। कितना नीचे जाना है, हो गया ना, खड़ा हो, लो इसको पकड़ो, तुम वीडियो बनाएंगे, किसको पकड़ना है इसको, और किसको, और इधर देखने का, तुम ही छिड़क दो ना, वैसे छिड़का जाता है इसे पीछे से ना। हाँ देखो, वहाँ पापा को देखो, क्या रहा, बस हो गया, वो तो कुछ नहीं है, तो पानी के अंदर मछली का भी फोटो ले सकते हैं, लेकिन ये जाली से उस पार नहीं ना दिखेगा, वहाँ जाते और ऐसे घुसे, कहाँ, अरे हाँ नहीं भाई, क्या भाई क्या मछली है, अंदर डालेंगे, हाँ डालेंगे, कहाँ गया मछली, ये छोटा छोटा में डाल दे, ज्यादा होता तब ना डालते, भाग जाएगा तो छोटी मछली के लिए इसलिए ना ठीक बात, हाँ वही नहीं जाएगा तो है, जाने का है, वो रेटिंग ही रहता है उसका, कितना IP67 चला जाएगा, एक मीटर पे जाता है, बड़ा मछली 10 मीटर जाएगा, वो भी समुंदर में मछली है, अरे कितना बड़ा मछली है, वो दिख नहीं रहा तुम्हें, बड़का रेहू है, रेहू है, रेहू, यहाँ रेहू दिखा देखो, देखो यार, देखो लाल लाल, वो देखो देखो भाग, हाँ हम भर लेते हैं, यहाँ तो मस्त कपड़ा लेके आना था, छपा छप, हाँ वही तो छपा छप करने का ये जगह, नदी किधर से आ रहा है, नदी उधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है, दो हमको लग रहा है उधर से आ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी है नहीं, मतलब इतना रिजर्वायर है, डेफिनेटली 100 फीट 150 फीट का डेप्थ होगा इसमें, अच्छा वो रहा वही रिजॉर्ट, तो वहाँ से एक डायरेक्ट ऐसे रास्ता बना देगा फ्यूचर में, डेफिनेटली उतना घूमना नहीं पड़ेगा, सीढ़ी से ऊपर जाने का रास्ता, सिर में, सिर में नहीं, नहीं, फोन दे, ठीक है।
बता पहले मैसेज करना तुम आपको। नहीं वैसा पॉसिबल नहीं होगा ना, नहीं होगा पॉसिबल। अलग रुको आनाते मत कौन पोते देंगे आलिंटे आना नालगुर ने आनाते मत कौन पोते देंगे बच्चा में और अलवा ये बच्चा बुतरी लंग गर्मी में दौड़ दौड़ के आ रहा है। ये देखो लॉलीपॉप खाते खाते अभी तुम्हारा वहाँ पे वो बाल वाल करवा देते हैं क्या? नहीं कहाँ कम है उधर वाला के लिए आया है, वो जाता है फिर वो आएगा, अब वो आएगा। क्योंकि लास्ट में तुम्हारा ये आएगा, बढ़िया व्यू आएगा लास्ट और फर्स्ट में। बीच वाले में कुछ भी फायदा नहीं है। अगर हम पीछे जाएंगे शांति से बैठो भाई, हिलाओ डुलाओ नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है। ग्रीन नहीं ऑरेंज रस्सी ऊपर रहता है और वहां से निकल जाता है जब रस्सी से, तो थोड़ा स्पीड पकड़ता है। और इन लोगों का सिस्टम है कि चार आएगा वही वापस जाएगा वही वापस आएगा, जैसे अपने फॉरेन वॉरेन में देखते हैं उस टाइप का नहीं है कि रोप घूमते रह रहा है और भीड़ हुआ तो किसी को स्टैंड बाई में कर दिया किसी को ऐसे कर बैठे थे उसमें, तो रोप आते जा रहे थे रुक भी नहीं रहा था, आ रहा है घुसते जाओ घुसते। हाँ मतलब कुछ कुछ वहाँ पे क्या है चलते चलते में घुसता है, ज्यादा कस्टमर होता है तो उसमें अटैच कर देता है, कम होता है तो थोड़ा सा उस साइड वाला बेल लाइन में। उन लोगों का सिस्टम अलग है, ये सिस्टम अलग है, ये अपना इंडियन स्टाइल का मैनुअल सिस्टम है इसमें। देखो ना यही रास्ता लग रहा है, यही सब रास्ता से आने से ऐसे पैदल पैदल आ सकता है। वैसे गाड़ी वाड़ी का तो है दिख रहा है कि गाड़ी में आ सकता है। ये देखो ये आ रहा है ये लोग, ये अभी सेंटर लाइन क्रॉस हुआ है, अब थोड़ा अप ले रहा है। यही सब रास्ता है वहां से आ रहा है। वैसे हम लोग इतना वेट करने से अच्छा था कि मान लो अगर एक घंटा का वेटिंग है तो ये रास्ता से आराम से आ सकते हैं, बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है। देखो गाड़ी घोड़ा आने जाने के जैसा रास्ता बनाया है, ऑटो आए भी ऑटो चल भी रहा है इसमें। क्या भीड़ के समय में कभी कभी यहाँ पर काफ़ी वेटिंग टाइम होता है, जैसे अभी हम लोग कितना वेट किए होंगे, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट वेट किए। वो
उस हिसाब से ऑटो 300-350 रुपया लेती है, उसमें आके समय बचाना हो तो बचाया जा सकता है, अननेसेसरी क्यों ज़्यादा पैसा खर्चा करना। और ये लगता है देखो वो पुराना रोप वे था, सिंगल सिंगल ये खुला खुला जाने। देखो आ गए हम लोग, पहुँच गए, अभी भी बहुत लोग आने का भीड़ है ही यहाँ पे, एकदम फर्स्ट में जाएगा तब खोलेगा ना। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हिलता बहुत है ना, कहाँ से निकल रहा। अच्छा एग्जिट इधर है, क्या हो गया, एग्जिट किधर है। नहीं शिव जी है समझे, और इनका बहुत नाम है मतलब कि अच्छा, ये इसका इनका हम ये भी लिए हैं, फोटो लिए हैं, ये बोला कि आप रखिए इससे जो बच्चा का मेमोरी तेज होता है, अच्छा पढ़ाई में बहुत अच्छा करता है। ये हम लोग श्री सैलम में मल्लिकार्जुन शिव जी टेम्पल का दर्शन करने के बाद, जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमें साक्षी गणेश महाराज के पास आके अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना है कि हम वहाँ माथा टेके हैं, उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ साक्षी महाराज गणेश टेम्पल में आए हुए हैं। और यहाँ पे गणेश महाराज की हम लोग पूजा अर्चना कर लेंगे और अपनी इस यात्रा को एक सही मुकाम देंगे। ये देखिए यही है गणेश टेम्पल, अंदर में लाइट वाइट है। जो लोग शिव जी का दर्शन करते हैं मल्लिकार्जुन में वो यहाँ जरूर आते हैं, और बिना इनके दर्शन के इस तीर्थ को या इस यात्रा को पूर्ण नहीं माना जाता है। उस हिसाब से ये है ये दृश्य। देखिए सब लोग कर करके आ रहे हैं। कैसा वही जो टेक्निक बोले थे उसी काम आ गया ना।